हेलो, वेलकम टू सू मोबाइलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, नीट 2021 में क्वेश्चन आया, पर्संस विद ए बी ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स। तो ये सार्वभौमिक हमारे ग्राही कहलाते हैं। ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो पर्संस हैं, उनको हम कोई भी ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ा सकते हैं। दिस इज़ ड्यू टू, क्या रीज़न है इसके पीछे? इसके पीछे रीज़न ये है कि इनके ए बी ब्लड ग्रुप में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे दोनों टाइप के एंटीजन हैं, ए और बी। लेकिन उसके ब्लड में ए और बी दोनों तरह के एंटीजन हैं आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, लेकिन उसकी प्लाज्मा में एंटीबॉडी एक भी नहीं है। दोनों तरह के एंटीजन हैं, एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, दोनों की प्रेजेंस है, लेकिन उसके ब्लड प्लाज्मा में एक भी एंटीबॉडी नहीं है, ना एंटीबॉडी ए ना एंटीबॉडी बी। तो एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंटी ए एंटी बी इन द प्लाज्मा इज द राइट चॉइस टू मेक, यू शुड गो विद ऑप्शन नंबर डी। और ये आपके एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन है। एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो ब्लड ग्रुपिंग जहाँ दे रखी है ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग, उसने आपको समझाया कि ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग किस बेसिस पे हुई है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ए और बी ओवर द सर्फेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आर बी सी, वेदर दिस एंटीजन आर प्रेजेंट ऑन नॉट, ऑन बेसिस ऑफ दैट ब्लड ग्रुपिंग करी गई है ए बी ए बी और ओ में, जिसमें केवल ए एंटीजन प्रेजेंट है, जिन ऑर्गेनिजम्स के, जिन पर्सन्स के आर बी सी पे केवल ए एंटीजन प्रेजेंट है वो ए ग्रुप में आएंगे, जिनमें बी एंटीजन प्रेजेंस है वो बी ब्लड ग्रुप के हो गए, जिनमें दोनों ही प्रेजेंट हैं ए बी और बी बी, वो हो जाएगा हमारा ब्लड ग्रुप ए और बी दोनों, वो ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। बी एंटीजन वाले, ए एंटीजन वाले और ऐसे ह्यूमन बीइंग जिनकी आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, इधर आ जाइए, इसको इधर बना देते हैं, दोनों ही एंटीजन हो, एंटीजन बी भी हो और एंटीजन ए भी हो, उनको हम लोग रखेंगे किस में? उनको हम लोग रखेंगे ए बी में। ये ब्लड ग्रुप ए बी हो गया, दोनों तरह का एंटीजन है, और जिसकी पर्सन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक भी एंटीजन नहीं होगा उसको हम रखेंगे ओ में। क्लियर? ये चीज़ क्लियर हुई? अब देखिए, दूसरी बात समझिए, ये तो हो गया एंटीजन की प्रेजेंस, एंटीबॉडी कौन सी होगी? तो फिर से एक बार देख लेते हैं, हम लोग बनाते हैं ए एंड ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप, ओ ग्रुप। इसमें ए एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन ए प्रेजेंट है ओवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, ये ब्लड ग्रुप ए हो गया। तो एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट है? एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है, एंटी बी प्रेजेंट है, लेकिन वो प्रेजेंट है प्लाज्मा में। इस ब्लड ग्रुप वाले को हम लोग किसका ब्लड दे सकते हैं? हम लोग ए का ब्लड दे सकते हैं, हम लोग ओ का ब्लड दे सकते हैं। बी ब्लड ग्रुप वाला एंटीजन बी होगा, तो एंटीबॉडी ए होगी प्लाज्मा में, एंटी ए होगी प्लाज्मा में, ब्लड ग्रुप हो गया बी, इसको हम लोग बी का ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, ओ का ब्लड ग्रुप वाला ब्लड दे सकते हैं। ए बी वाले में ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं, तो एंटीबॉडी एक भी नहीं है, और इसको हम लोग ए बी वाले को ओ का भी दे सकते हैं, ए का भी दे सकते हैं, बी का भी दे सकते हैं, ए बी का भी दे सकते हैं। ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है और ये यूनिवर्सल डोनर है, इसका हम किसी को भी ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, लेकिन ये इसमें हम ब्लड ग्रुप किसका? इसको ओ को दे सकते हैं, ओ को केवल ओ का ही दे सकते हैं। एक चीज़ और फंडा आप बांध लीजिए, बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, पेज नंबर 281 पे दिया। सीधी सी बात है, बहुत आसान तरीका है याद रखने का, ज़्यादा टफ ना करिए, सीधा तरीका याद रखिए कि आप बाहर से ध्यान दो, आप यू कांट, ये फंडा बना लीजिए, इंट्रोड्यूस न्यू एंटीजन इनटू द बॉडी और बॉडी ऑफ हमारा रेसिपिएंट, रेसिपिएंट की बॉडी में आप बाहर से नया एंटीजन नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते। हाउएवर, यू कैन इंट्रोड्यूस द एंटीजन विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ दैट पर्सन।
ठीक है, सीधी सी बात समझी मैंने क्या बोली? मैंने बोली कि आप बाहर से कोई नया एंटीजन जो उसमें बॉडी में, जब हम ए बी एंटीजन की बात कर रहे हैं, ब्लड ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं, उस नज़रिए से आप बाहर से कोई नया एंटीजन उसकी बॉडी में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। हमें फॉलो ये करना है प्रिंसिपल कि हम उसको वो वाला ब्लड ग्रुप का ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करेंगे जिसमें, जिसके ट्रांसफ्यूजन से कोई ऐसा एंटीजन उसकी बॉडी में इंट्रोड्यूस होने नहीं जा रहा जो ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है। तो अब ए बी वाला है, ए बी में तो दोनों ही हैं पहले से ही, तो आप उसको किसी भी ब्लड ग्रुप का दे दीजिए। अगर ए ब्लड ग्रुप वाला आपका रेसिपिएंट है तो आप इसको किसका दे सकते हैं? ओ में एक भी एंटीजन नहीं है, ए में ए एंटीजन है और ए एंटीजन उसमें पहले ही मौजूद है। बी एंटीजन अगर आप देते हैं वो उसमें मौजूद नहीं है तो नया हो जाएगा, हम बी का उसको ब्लड नहीं चढ़ा सकते, इसी तरह से ए बी का ब्लड नहीं चढ़ा सकते। सेम फंडा आप ए बी ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप पे लगा सकते हैं। अगर ए बी ब्लड ग्रुप है, यहाँ डिस्कशन हो गया, तब तो उसके पास पहले ही दोनों एंटीजन है, आप उसको किसी भी ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ा दीजिए। ए वाले का डिस्कशन हो गया, बी वाले पे आ जाइए। बी वाले में हम उसको कौन सा ब्लड ग्रुप सजेस्ट कर सकते हैं? तो मोस्ट कॉम्पिटेबल तो बी है, उसके अलावा आप उसको ओ भी कर सकते हैं क्योंकि ओ में कोई ऐसा एंटीजन नहीं है जो उसकी बॉडी में जा रहा हो जो ऑलरेडी ना हो। क्लियर? और इसी तरह से ओ ब्लड ग्रुप वाले को कौन सा बचा? ए हम दे नहीं सकते क्योंकि उसमें ए एंटीजन नहीं है, ए ओ को ए नहीं दे सकते, ओ को बी नहीं दे सकते, ओ को ए भी नहीं दे सकते। तो ओ के लिए क्या बचा? केवल और केवल ओ ही बचा। क्लियर हो गई बात? जो मैंने फंडा बताया उसको याद रख लीजिएगा कि यू कांट इंट्रोड्यूस द न्यू एंटीजन इनटू द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई नया इंट्रोड्यूस बाहर से हम नहीं कर सकते, ये फंडा लगाएंगे तो आप कभी भी इसको टेबल आपको रटनी नहीं पड़ेगी, आप तुरंत इसको समझ लेंगे। ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग का जो आधार है वो ये है कि जिस पे ए एंटीजन है वो ए ब्लड ग्रुप, जिस पे बी एंटीजन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आरबीसी की सरफेस पे, वो बी एंड बी ब्लड ग्रुप का हो गया जिसमें कोई भी नहीं, वो ओ, ओ का मतलब ज़ीरो। यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप का मतलब है ज़ीरो, ओ नाम का कोई एंटीजन या एंटीबॉडी नहीं है, वो बेसिकली यहाँ सिंबलाइज कर रहा है ज़ीरो, निल निल बटा सन्नाटा, कुछ भी नहीं। और ए बी इस पे दोनों ही हैं, ए और बी, वो ए बी हो गया। तो ये अब आप क्लियर हो गया आपको। ओके, चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगर आपको मेरा ये समझ में आ रहा हो, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर आए दिन मैं अपने इस तरह से आपको हर चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर के हैं उनके ये मैं बना के डाला करता हूँ, और जो आने वाले क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट वो भी आपको मिलते रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन हिट कर दीजिए। मिलता हूँ, बाय।